Class 3. Today in Value Education, we will discuss Chapter 5, Sheena's Day Off. Stories सुनने से पहले या स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्टोरी हम लोगों को सिखाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. वेन एवर वी आर आस्क्ड टू डू समथिंग देन वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द जॉब. जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसको हमें और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए और थोड़ा बहुत केयरफुल होकर करना चाहिए. इफ़ वी विल बी केयरलेस देन वी विल मेक मिस्टेक्स. सो लेट्स स्टार्ट. शीना ग्रैंड मदर नीड्स टू सी द डॉक्टर. आई एम ड्राइविंग हर टू द क्लिनिक, सेड मदर. प्लीज़ टेक केयर ऑफ लोलो टिल आई गेट बैक. येस मदर, डोंट वरी, आई विल, सेड शीना. तो शीना की मम्मी शीना की ग्रैंड मदर के लेके डॉक्टर के पास गई एंड वो शीना को बोल के गई कि वो अपने पेट कैट लोलो का ख्याल रखे. तो शीना ने भी अपनी मदर को रिप्लाई किया कि येस मदर, श्योर, डोंट वरी. लोलो वॉज देयर पेट कैट. शी वॉज क्वाइट अ हैंडफुल, अ सॉफ्ट बॉल ऑफ फर एंड वेरी नॉटी टू से द लीस्ट. When Sheena went up to her room, Lolo was sleeping, cuddled up in her warm can basket. She heaved a sigh of relief. Lolo was sleeping peacefully. She had less cause for worry. She wouldn't have to run around taking care of the cat. She would relax now and enjoy her holiday. तो Sheena जब अपने कमरे में गई तो देखी कि Lolo, उन लोगों का pet cat, अपने warm can basket में सो रही थी. And Lolo is very quiet, handful. इज़ क्वाइट हैंडफुल एंड अ सॉफ्ट बॉल ऑफ फर. मतलब बहुत ही स्वीट है, बहुत ही वो एकदम देखने में एकदम जैसे एक बॉल के जैसा लगता है. बट लोलो इज़ वेरी नॉटी एट द सेम टाइम. तो शीना जब देखी कि लोलो सो रही थी अपने बास्केट में तो वो थोड़ा रिलैक्स फील किया कि कम से कम उसको अभी लोलो के पीछे दौड़ा भागी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लोलो अभी शांति से सो रही है. Sheena walked up to the couch and snuggled there with her favorite book. Suddenly the phone rang. It was her friend Myra. तो Sheena अपने couch में जाके बैठी एंड जैसे ही वो अपनी favorite book लेके पढ़ने जा रही थी तो तब उन लोगों का phone बजा and it was Sheena's friend Myra. Oh Sheena, why didn't you come for the dance class today? I didn't feel like as it was a holiday, you know, said Sheena. But you really missed something. The teacher played a new tune and taught us some new steps, said Myra. तो Myra शीना को पूछी कि शीना तुम आज डांस क्लास के लिए क्यों नहीं आई. तो शीना ने रिप्लाई किया कि मुझे आज जाने का मन नहीं किया क्योंकि आज तो हॉलीडे है इसलिए जाने का मन नहीं किया. तो शीना की फ्रेंड Myra ने रिप्लाई किया कि बट तुमने कुछ मिस कर दिया. आज हम लोगों के टीचर ने, डांस टीचर ने कुछ नया ट्यून और कुछ नया स्टेप्स हम लोगों को सिखाया है. Really? What new steps? Inquired Sheena. The ones there you hop, skip and jump together. And you know, Sheena, the teacher said if we worked hard enough, we would get to perform soon. तो शीना ने पूछा कि अच्छा क्या है नया स्टेप्स. तो Myra ने रिप्लाई किया कि एक ऐसा स्टेप जहाँ पर तुम hop, jump and skip तीनों एक साथ कर सकते हो. एंड पता है शीना के टीचर ने बताया है कि अगर हम लोग सच में अच्छा काम, मतलब अच्छे से इसको सीखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे स्टेप्स को तो हम लोगों को परफॉर्म करने मिलेगा बहुत जल्दी. एंड सो दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन. शीना फॉरगॉट अबाउट लोलो द पेट कैट. सो शीना डिड नॉट सी लोलो जंपिंग आउट ऑफ द कैन बास्केट, वॉकिंग आउट ऑफ द रूम एंड आउट ऑफ द फ्रंट डोर व्हिच वाज अ लिटिल अजैब. जस्ट देन मदर रिटर्न्ड एंड शी आस्क्ड वेयर इज लोलो. तो Myra और शीना फ़ोन पे बात कर रही थी तो शीना एकदम भूल गई कि उसको पेट कैट लोलो को उसका देखभाल करना है. और इन द मेन टाइम जब शीना बात कर रही थी Myra से तो शीना ने देखी नहीं कि लोलो अपनी नींद से जाग के, अपने बास्केट से उतर के, उस रूम से बाहर जाके एकदम फ्रंट डोर, मतलब जो मेन डोर है वो, क्योंकि थोड़ा सा वो खुला हुआ था तो उस डोर से वो बाहर चली गई. ठीक उसी टाइम पर शीना की मदर आई एंड वो पूछने लगी कि लोलो कहाँ है. शीना वॉज इन फॉर अ रूड शॉक. लोलो वॉज नॉट इन हर बास्केट, नीदर वॉज शी इन द हाउस. मदर एंड शीना लुक्ड फॉर हर ऑल ओवर द हाउस, अंडर द बेड, बिहाइंड द कबर्ड, इन फादर्स शू ड्रॉअर, एवरीवेयर, बट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. तो शीना एकदम मतलब शॉक में आ गई. अचानक से उसकी मम्मी आके पूछ रही लोलो कहाँ है तो शीना एकदम शॉक्ड हो गई और देखी कि लोलो अपने बास्केट में भी नहीं है, ना ही वो घर में है. शीना और उसकी मदर उसको घर में हर जगह ढूंढ लिया, बेड के नीचे ढूंढा,
कबर्ड के पीछे ढूंढा, शीना के फादर के शू ड्रॉर में ढूंढा, कहीं पे भी लोना मिल नहीं रही थी। मदर वॉज डिसअपॉइंटेड विद शीना। आई विश यू हैड बीन अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल शीना, यू प्रोमिस्ड मी यू वुड लुक आफ्टर लोलो, सेड मदर। शीना वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, शी हैड नो एक्सक्यूज फॉर बींग केयरलेस। इफ ओनली शी हैड टेकन मदर्स वर्ड सीरियसली एंड बीन मोर रिस्पॉन्सिबल, इट वुड नॉट हैव हैपेंड। तो शीना के मदर थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। शीना के मदर गुस्से में आके ही बोली कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया था और तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। तो शीना मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बिकॉज शी रियलाइज कि शी वॉज एट फॉल्ट, बिकॉज वो केयरलेस हो गई थी, वो देखी नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं, अपनी मम्मी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। अगर वो सीरियसली लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। एज दे सर्च्ड फॉर द कैट इन द गार्डन, अ नेबर वॉक्ड इन कैरिंग लोलो इन हिज आर्म्स। तो जैसे ही वो लोग गार्डन में गए लोलो को ढूंढने के लिए, तो देखा कि उसको उन लोगों का एक नेबर लोलो को अपने आर्म में लेके, अपने गोद में लेके आ रहे थे। हे फाउंड योर कैट, शी वॉज इन माई गार्डन, हेयर शी इज, सेड द गुड मैन। तो उन लोगों के नेबर आके बोला कि तुम लोगों की कैट, तुम लोगों का पेट कैट मेरी गार्डन में घूम रहा था, घूम रही थी, तो आके बोल के दे के चली गई। शीना रियलाइज्ड हर मिस्टेक, शी विल हैव पेड प्रॉपर अटेंशन टू द टास्क मदर हैड गिवन हर। तो शीना ने रियलाइज़ किया कि उसके मदर ने जो भी उसको काम दिया था, उसकी मम्मी ने, तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था या अटेंशन देना चाहिए था उस पर। आई एम सॉरी मदर वॉज ऑल शीना कुड से, शी सिंसियरली होप्ड हर मदर वुड फॉरगिव हर। तो शीना बस अपनी मम्मी को आई एम सॉरी यही बोल पाए, और वो होप कर रही थी कि उसके मदर उसको माफ़ कर दे। प्लीज़ डियर Be careful the next time you are asked to do something, her mother's words were gently spoken but firm in meaning. तो शीना ने, शीना की मदर ने शीना को बोली कि ठीक है, gently मतलब politely बोला, but the words were very firm, the words were very strong. बोला कि बोली कि ठीक है, but next time से please थोड़ा careful हो जाना, जो भी काम दिया जाए उसको carefully करना। I will mother, I will believe me, I will do a better job next time, said Sheena, this time meaning it from her heart. तो Sheena अपनी mother को promise किया कि yes, she will be careful and she will do a better job in the next time whenever she will ask to do anything. तो वो अपने मतलब दिल से ही बोले कि yes, she will be careful and she will be responsible. So class 3, please go through this text and along with this explanation. Thank you.